अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम रेनबो ग्रामर स्कूल, क्लास 1, यूनिट नंबर 3. आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3, क्लास 1, टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बच्चों, इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि प्लांट्स की कितनी टाइप्स होती हैं. प्लांट्स का आपको पता है ना, पौधे और जो दरख्त वगैरह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्लांट्स कहलाते हैं. ठीक है, हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड प्लांट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अल्लाह ने क्या किया है, पैदा किए हैं प्लांट्स, पौधे डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ शक्लों के एंड साइजेस और साइजेस के. ठीक है बच्चों, देखो जैसे हम लोग इंसान हैं, ये सब किसने पैदा किए हैं, अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं. इसी तरीके से दूसरी जितनी मखलूकात हैं वो सब भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं. इसी तरह से पौधे भी अल्लाह ताला की क्रिएशन में से एक क्रिएशन है. ठीक है, इनके डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं. आपने देखा है कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े तनावर दरख्त होते हैं, कुछ छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अल्लाह ताला ही की तख्लीक है. ठीक है बच्चों, वी क्लासिफाई प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज इनटू 3 ग्रुप्स व्हिच आर एज फॉलोज. वी क्लासिफाई प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस. हम क्लासिफाइड करते हैं प्लांट्स को उनके साइजेस के मुताबिक और फिर उनको 3 ग्रुप्स में तब्दील कर देते हैं, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स. ठीक है, कौन कौन से इनके 3 ग्रुप्स हैं, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ट्रीज, वन ऑफ देम इज ट्रीज. ट्रीज पता है ना, दरख्त. हमारे इर्द गिर्द आप पार्क में जाते हैं या अपने घरों के बाहर दरख्त लगे हुए होते हैं, कितना सब्जा होता है, ग्रीनरी होती है, दरख्तों की वजह से ही होती है ना ग्रीनरी. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रीज कहलाते हैं. दे हैव हार्ड वुडी स्टेम. उनकी सख्त जो है वो वुडी स्टेम, लकड़ी के जो है उनकी स्टेम्स होती हैं. ठीक है, ये क्या होती हैं, उनकी स्टेम. फॉर एग्जाम्पल, नीम ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री. मिसाल के तौर पर नीम ट्री, ये जो है नीम का दरख्त है. मैंगो ट्री, ये आम का दरख्त है. और ये कौन सा दरख्त है, कोकोनट ट्री. ठीक है, ये कोकोनट ट्री है. जो ट्रीज होते हैं इनका क्या होता है, वुडी हार्ड स्टेम्स होते हैं और ये जो है बड़े टॉल होते हैं. सेकेंड वन इज श्रब्स. बिग प्लांट्स विच डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स. बड़े पौधे जिनके मजबूत लकड़ी के तने नहीं होते आर कॉल्ड श्रब्स. वो क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं. ये देखो ना बच्चों, इतने मजबूत तने नहीं नजर आ रहे ना, बनिस्बत इनके लकड़ी के सख्त होते हैं. ये क्या होते हैं, ये नरम होते हैं. द स्टेम ऑफ सच प्लांट्स इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस. फॉर एग्जांपल, रोज प्लांट, लेमन प्लांट. क्या होगा, द स्टेम ऑफ सच प्लांट्स, इस तरह के पौधों के जो शाखें हैं, स्टेम्स, ठीक है, इज डिवाइडेड, बटी होती हैं इनटू मेनी ब्रांचेस, बहुत सी शाखों में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर रोज प्लांट, फूल का जो है गुलाब के फूल का पौधा, और लेमन प्लांट, लीमू का पौधा. हमारा क्या है, श्रब्स. नाउ स्टूडेंट, थर्ड वन इज हर्ब्स. ठीक है, पहले हमने पढ़ा ट्री, श्रब्स एंड थर्ड वन इज हर्ब्स. सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास, मेंट, व्हील, राइज, एटसेट्रा. बच्चों, वो छोटे पौधे जिनके जो है वुडी स्टेम, जिनके लकड़ी के तने नहीं होते, आर कॉल्ड हर्ब्स. देखिए मिसाल के तौर पर जो घास होती है, ठीक है ना, नरम नरम पत्ते से ही होते हैं ना उसके. पुदीना देख लें, व्हील देख लें, राइस देखते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं, हर्ब्स कहलाती हैं. स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में 3 किस्म की टाइप्स पढ़ी. एक ट्रीज थे, सेकेंड श्रब्स थे, और थर्ड क्या था, हर्ब्स. आप सब बच्चों ने इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है. उसके अलावा वर्कशीट में आप लोगों का काम जो है वो मौजूद है. आप लोगों ने अपनी वर्कशीट को बहुत ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन के आंसर को याद करना है, और नोट कॉपी वाला काम आपने नोट कॉपी में नोट करना है. ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू.